हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम फिफ्टीन ऑफ अप्रैल 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस सो लेट्स गे स्टार्ट Uh, सबसे पहली न्यूज़ है uh, सरकार ने कोविड नाइन्टीन के केसेस बढ़ने की वजह से जो गवर्नमेंट पुट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ बोर्ड्स तो ट्वेल्थ के बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन uh, कर दिए हैं कि वो जून में देखेंगे मतलब रिव्यू करेंगे द सिचुएशन ऑन जून फर्स्ट एंड देन दे विल डिसाइड फ्रेश डेट एंड मेक अनाउंसमेंट एटलीस्ट टू वीक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम तो पहले मे से स्टार्ट होने वाले थे मे फोरथ से टेंथ एंड ट्वेल्थ एग्जाम के uh, जो शेड्यूल्ड था बट अभी ये और टेंथ के जो एग्ज़ाम वो कैंसल ही हो गए हैं और इसके लिए ये सीबीएसई ने बोला है कि मतलब सीबीएसई प्रिपेयर करेगा क्लास टेंथ के रिजल्ट एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा उसके लिए कि उस पर असेसमेंट करके और उनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा एंड आईसीएसई बोर्ड विल डिसाइड सून तो यहाँ पे ये कैंसिल किए गए हैं और फ्यू कंसल्टेड स्कूल्स ऑफ़िशियल्स वंडर इफ़ सी बी एस ई मिस्ड मार्च अप्रैल विंडो तो यहाँ पर ये बोला गया कि जैसे अभी प्री बोर्ड हो रहे थे जब मतलब लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्क वगैरह पहन के जा रहे थे स्कूल में तो प्री बोर्ड कंडक्ट किए गए थे तो इस टाइम पर भी मार्च अप्रैल की विंडो भी होती ठीक है जैसे फेबररी में होते ही हैं फेबररी से स्टार्ट होते थे बोर्ड के एग्ज़ाम लास्ट फेबररी या फिर स्टार्टिंग का जो पीरियड है अप्रैल का वहाँ से शुरू हो जाते थे तो यहाँ इसको मतलब इस वजह से कंसीडर नहीं किया गया कि ये सोचा कि स्टूडेंट्स को और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का तो इस वजह से मई से कंडक्ट किए जाने थे लेकिन अब कोरोना के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ये वाली जो विंडो है इसको भी मतलब मिस कर दिया और ये बोला जा रहा है कि जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स हैं उनसे कंसल्टेशन यहाँ पे नहीं की गई है ये जो मीटिंग थी हाईएस्ट लेवल की ये केवल ये जो डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो टॉप एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं उनके बीच ही ये लिया गया है विथ सेवरल मेम्बर्स ऑफ सी गवर्निंग बॉडी उन्होंने बोला है कि दे वर नॉट कंसल्टेड और जो गवर्निंग बॉडी है उसमें थर्टी फोर हैं ठीक है थर्टी फोर किसके हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें होते हैं हेड्स ऑफ स्कूल्स होते हैं और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये होते हैं और फोर मेम्बर जो होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट्स डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन के होते हैं सीनियर ऑफिशियल होता है अमंग दम कन्फाइंड नॉट बिंग पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो इन्होंने बोला है कि हमको इसमें शामिल नहीं किया गया है देन यहाँ पे है डॉक्टर रेडीज स्पुतिक फाइव विल स्टार्ट अराइविंग इन दस क्वार्टर तो इंडियन इंडिया कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव जो हम स्पूतनिक फाइव का जो स्टॉक है वो अभी इस मंथ के लास्ट में या फिर जून में वो आ सकता है एंड ये हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेडीज़ लेबॉरेटरीज ठीक है तो ये इंपोर्ट करेंगे कंसाइनमेंट ऑफ द रशियन मेड वैक्सीन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन तो ये है देन यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस एग्री ऑन इंडो पैसिफिक बट नॉट ऑन म्यांमार तो यहाँ पर म्यांमार को लेकर सबके ही डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है लेकिन यहाँ पर जो बातचीत हुई जैसे चाइना है तो चाइना क्वाड ग्रुपिंग को किस तरीके से देता है एशियन नेटो ठीक है तो यहाँ पे ये बोला है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर कि Uh, जो भी लोग हैं जो मतलब कंट्री हैं जो हमें एशियन नेटो के टर्म्स यूज कर रही हैं आर प्लेइंग माइंड गेम्स एंड न्यू डेली विल नॉट हैव अदर्स वीटो ऑन व्हाट इज़ इट गोइंग टू डिस्कस एंड विद होम तो हम मतलब ये नहीं बता रहे कि हम किसके साथ क्या डिस्कस करेंगे सो दैट काइंड ऑफ नेटो मैंटेलिटी हैज़ नेवर बीन इंडियाज इफ़ इट इज हैज़ बीन देर इज़ इन एशिया बिफोर आई थिंक इट्स इन अनदर कंट्रीज एंड रीजन्स नॉट इन माइंड तो यहाँ पे कहना है एंड अदर्स कान डिक्टेक्ट टर्म्स ठीक है तो हमें किस चीज़ों पे क्या बातें करनी किसके साथ कब मिलना है वो हमें कोई और नहीं बता सकता अभी रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगी तो उन्होंने मतलब आई कोट किया था बिजिंग्स डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वाइट ग्रुपिंग एज एन एशियन नेटो तो यहाँ पे ये था तो हम जो इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है तो उन्होंने अपने जो कॉमन ग्राउंड है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेके तो वो साझा किए एंड वाइल इट हैज़ एक्सपोज सपोर्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी न्यू डेली हैज़ मेंटेन टाइज विद द म्यामार मिलिटरीजिम दिस इज़ बिहाइंड इंडियाज रेफरेंस टू इट्स यूनिक पोजिशन ऑन म्यांमार ठीक है तो हमारे यहाँ पे मिलिट्री के साथ भी रिलेशन है और अभी हम वही मेंटेन करके चल रहे हैं देन यहाँ पे पूरे वही सब है ये कि ये कि तिहाड़ लुक्स फॉर थ्री थाउजेंड फोर फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड सिक्सटी एट इनमेट्स गोन मिसिंग जब कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे लास्ट ईयर तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रेजेंस को रिलीज कर दिया गया था प्रिज़नर्स को है ना तो अभी लेकिन उनको आना था एंड ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड था उनका रिटर्न लेकिन वो लोग इधर उधर चले गए और अभी पुलिस दिल्ली पुलिस की हेल्प ले रही है मतलब उनको ट्रेस करने में तो तिहार जो है विद अ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग टेन थाउजेंड से ज़्यादा यहाँ पे इनमेट्स आ सकते हैं इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इन साउथ एशिया तो अगर लार्जेस्ट प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स आएगा साउथ एशिया में वो तिहार ही है और यहाँ पर जो ये जो सारे पेशेंट्स मतलब प्रिजनर्स थे ये सफ़र कर रहे थे इलनेसेस से जैसे एच आई सर किडनी डिसफंक्शन और डायलिसिस हेपेटाइटिस बी सी अस्थमा टीबी और इनको रिलीज कर दिया गया था थ्री मिनिस्टर वर शेड्यूल्ड टू हैव एन इन पर्सन मीटिंग तो इनकी यही है कि डेली फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन के बीच में इन पर्सन मीटिंग होनी थी लेकिन जब जो पाइनी है इन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी थी कोविड वेव की वजह से और राइट टू ऑर्गेनाइज टू शिफ्ट द राइसिना डायलॉग जो वर्चुअल हुआ ठीक है अप्रैल थर्टीन टू सिक्सटीन टू वर्चुअल फॉर्मेट कल रायसेना डायलॉग के बारे में भी हमने डिस्कस किया था तो आप वो बता सकते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है तो 2016 से हुआ है ठीक है मैंने बता दें देन अनसर्टिनिटी ओवर कॉलेज एडमिशंस होम एंड अब्रॉड तो जब तक ट्वेल्थ के रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक वही है कि आ, कौन कहाँ एडमिशन लेगा है ना तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है तो ये ही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई कि कहीं पे मतलब कुछ वेव ऑफ भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी दे रही हैं कुछ यहाँ के जो डीयू है तो वो भी कुछ कर रहा है रहे हैं न होटल्स एंड बैंक असाइड फॉर पेशेंट्स तो यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो होटल्स को कोविड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है ठीक तो है ये तो पोलिटिकल न्यूज़ है ये बाई मिस्टेक हाईलाइट हो गई हैं देन अम्बेडकर वर्क टू मेक संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज तो सी जी आई जो चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े हैं तो इनका ये कहना है कि अभी हमने फोर्टीन ऑफ अप्रैल को अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट की तो बी आर अम्बेडकर ने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया था जिसमें उन्होंने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की थी इंडिया की लेकिन इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यही इन्होंने बोला है कि आ, दिस मतलब आई वॉज वंडरिंग इन विच लैंग्वेज शुड आई स्पीक मराठी और इंग्लिश द डेलिमा इज बींग विटनेस्ट इन अर अ कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं वी हैव हाई कोर्ट्स विद ऑफिशियल इंग्लिश एंड हिंदी सम वॉन्ट तमिल समर तेलगू एंड आई वॉन्ट टू हम्बली सबमिट दट नो बडी इज पेइंग अटेंशन टू दिस सब्जेक्ट डॉक्टर अम्बेडकर हाउ वेर हैड एंटिसिपेटेड दिस एंड हैड प्रिपेर अ प्रपोजल तो यही इन्होंने बोला है कि क्यों नहीं मतलब ये सक्सेसफुल हो पाया है और इसमें सबके ही सिग्नेचर्स थे मुल्लास के पंडित के प्रेस्ट के एंड ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ तो प्रपोजल जो था यही था कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए शुड बी संस्कृत अगर संस्कृत मतलब क्यों क्योंकि अम्बेडकर वास द ओपिनियन दैट तमिल वॉन्ट बी तो एक्सेप्टेड इन नॉर्थ इंडिया कि जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं वो तमिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हिंदी को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा साउथ इंडियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो संस्कृत है वो ना ही नॉर्थ इंडिया में अपोज़ होगी ना ही साउथ इंडिया में तो इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल दिया था जो कि नहीं हो पाया है इसके अलावा एक जो कोर्स है तो वो भी नया कोर्स इनाग्रेट किया था न्याय शास्त्र तो ये बोला है कि एक एंशंट है ये संस्कृत का और इंडियन जुडिशरी जो है वो कहाँ से मतलब आ, अपने ड्रॉ करती है तो एंग्लो सेक्शन मॉडल है एंड बेस्ड ऑन एरिस्टोटलियन एंड इज पर्शियन लॉजिक सो so, यहाँ पे यही चीज़ बोला कि जब मैं न्याय शास्त्र पढ़ रहा था तो आई फाउंड दैट इज़ नॉट अ बिट इन्फीरियर टू द एरिस्टोटलियन सिस्टम और उसी के कुलेंट भी ये होगा ठीक है इंडिया कमिटेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज बट नॉट अंडर प्रेशर